वन मंत्री विजय शाह के गृह जिले में वनकर्मी सुरक्षित नहीं हैं। खंडवा की गुड़ी रेंज में अवैध कटाई कर रहे अतिक्रमणकारियों ने वन अमले पर हमला कर दिया। हमले में डिप्टी रेंजर फरीद कुरैशी, बीट गार्ड प्रकाश मालवी और दो ग्रामीणों को चोटें आई हैं। घटना के बाद वनकर्मी और ग्रामीण जान बचाकर भागे। इस मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ पिपलौद थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है। वन अमले की शिकायत मिली थी कि तालियाधर बीट में अतिक्रमणकारी हरे भरे पेड़ की कटाई कर रहे हैं, जिसके बाद डिप्टी रेंजर फरीद कुरैशी के नेतृत्व में वन अमला मौके पर पहुंचा। तभी करीब 20 अतिक्रमणकारियों ने बीट गार्ड के साथ मारपीट शुरू कर दी। डिप्टी रेंजर और ग्रामीण उसे बचाने पहुंचे तो उन पर भी हमला किया गया। जानकारी मिलते ही रेंजर किशोर दशोरे के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद अतिक्रमणकारी फरार हो गए। घटना में डिप्टी रेंजर, बीट गार्ड सहित दो ग्रामीण घायल हो गए। सुबह मेरे गांव वालों से सूचना मिली कि तालियाधर के जंगल में कुछ आदिवासी जंगल काटने के उद्देश्य से घुसे हुए हैं। मैंने तुरंत सूचना रेंजर साहब को दी और डिप्टी साहब को दी, तो हम लोग सब गुड़ी से स्टाफ लेकर तालियाधर पहुंचे और हमारे साथ में देवली कला के समिति के सदस्य और तालियाधर के गांव वाले भी गए थे साथ में हमारे। तो तालियाधर बीट के कक्ष क्रमांक 777 में लगभग 250 से 300 लोग अवैध कटाई कर रहे थे अतिक्रमण करने के लिए, तो उनके पास पहुंचे। इतने में उन्होंने अचानक हम पे हमला कर दिया। वो जिन उनके पास गोफन और कुल्हाड़ी वगैरह थी, तो वहाँ से फिर गोफन चलने लगी तो सब लोग पीछे हुए और मैं उनके बीच में घिरा गया।